शालू में क्या की था ठग दिया भाई, क्या खा के आया तू? चीना सोची ना होगी भाई, भाई ने छोड़ दिया भैन चोद। देश संकट में है। वो ऐसी ओ हाँ ओ भाई मारता, ओ मारता ऐसी बंद करूं पहले। मारता यार शालू। हग दिया, अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हग दिया। तो दोस्तों आज हम मम्मी की पुण्या मुखाएंगे, जो दोस्तों उनकी आखिरी इच्छा थी कि पुण्या घर पे नहीं बाबा डेरा रुद्रानंद में ही मुखाना। तो दोस्तों आज हम बाबा जी के डेरे में जाएंगे। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और मैं अभी घर से जा रहा हूँ, फिर घर से दोस्तों निकलूँगा भाई के साथ सारा सामान लेके पंडित जी के साथ। तो दोस्तों आगे इधे मुँह नो क्या लग गया वा, गुस्से नाल देख रही, गुस्से नाल रिद्दू। तो दोस्तों घर पहुंच गए, काम हो गया शुरू। घर पे पहुंचते ही हो गया है काम शुरू, रुमाल में पैसे बांधने हो गए शुरू, और पुआ लगी है साथ में काम करने के लिए। ये कादे लिए भला, ये पैसे कादे लिए, ये जड़े 101 रुपया किन्ने के इन्हें अपने वाले दे देते हूं किनो। अच्छा अच्छा अच्छा, चढ़ाने हैं? चढ़ाने हैं, कोई नहीं मैं चढ़ा दूंगा। चढ़ाइए, ये सोने दी है पुआ, होर तैन दिखा देंदा हो चांदी चांदी दी जड़ी हैं। आहो ये चांदी दी है। ये काम तो हो गया कंप्लीट, मां रख दी है गाड़ी में पूरी फुल। दोस्तों पंडित जी चले गए क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं बची, गाड़ी होगी पूरी फुल। आगे से हम बुआ के लड़के को उठाएंगे। मम्मी कहती थी भी अनु के ब्याह के बाद मुखानी। अच्छा बोल लिया कितने था भी, बाबे दे डेरे ही मुखानी या करे? ये नहीं मैं भी चेता रहूँगा। अच्छा, बोली अच्छा। भी अनु ब्याह ना मैं बथेरा बोलिया, मैं पुण्य मुखी तो पुण्य मुख बोली अनु के ब्याह के बाद मुखानी ने, अनु ब्याह ना पहले फिर पुण्य मुखानी इन्हें बोली। वो आज दे दिन ही बीबी की डेथ हुई थी। हाँ पुण्य वाले दिन, पुण्य वाले दिन रोटी भाई डब्बे च बोली थी मिनी सुनो मैं जाइया मंदिर। नहीं बड़ा वधिया दिन होंगे पुण्य वाले। हाँ पुण्य वाले दिन कहो। किन्ने साल हो गए? भैया मैनू नहीं पता, भागो जिंदे चली गई थी। हो गए 14 साल हो गए ना। तो दोस्तों घर से निकल चुके हैं, ड्राइविंग कर रहा है भाई और ये पीछे सामान पूरा भर गया है गाड़ी में। अब शालू को कहाँ बिठाएंगे? शालू अपने लिए जगह बनाता हुआ, बहुत ही जगह शालू, चार बंदे बैठ जाने थे। यही नहीं अभी और सुनिए भाई, क्या खा के आया तू? भाई भाई ने छोड़ दिया भैन चोद। ओ हाँ ओ भाई मारता, ओ मारता ऐसी बंद करूं पहले। मारता यार शालू। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं टक्का, जहां वो तीर्थ स्थान है बाबा रुद्रानंद जी का डेरा। शालू काट रहा है केले के पत्ते। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा रुद्रानंद जी के डेरे पे, आप देख सकते हैं ये है। तो जो प्रोग्राम है उसका बोर्ड लगा हुआ है, ये है गुरु महाराज सुग्रीवानंद जी महाराज यहाँ डेरे के प्रमुख, अभी जो बाबा रुद्रानंद जी की गद्दी पर विराजमान है अभी। ये है दोस्तों परम धाम, जहाँ बाबा रुद्रानंद जी बैठ के पूजा किया करते थे, अभी यहाँ सुग्रीवानंद जी महाराज बैठते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हम जब मंदिर में पहुँचे तो आगे हमें पंडित जी मिले,
और पंडित जी ने बोला कि जो ये पुण्या है ये आप घर पे ही मुखाइए, अगर यहाँ मुखानी है तो यहीं के पंडित बिठाने पड़ेंगे, बाहर से आप पंडित नहीं लेके आ सकते। तो ये दोस्तों मैं ये ना चाहता हूँ, ये कौन सा रूल बना कि पंडित हम बाहर से नहीं लेके आ सकते, वो भी मंदिर में, जिस मंदिर में हर धर्म का आदमी आ सकता है तो बाहर से पंडित क्यों नहीं आ सकता। दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, खुद दोस्तों सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, पर ऐसे पंडितों की वजह से पूरा सभी गढ़ हो चुका है, सभी सनातन धर्म बदनाम होता है। तो क्योंकि देखो पंडित ने ऐसे बोला क्योंकि वो चाहता है कि वो ही यहाँ पैसे कमाए और बाहर से कोई पंडित आके ना कमा पाए, जबकि जो पंडित हम बाहर से लेके आए हैं उन्होंने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। तो आप देख सकते हैं, कहते हैं ये मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन होगा अगर बाहर से पंडित लाएं, तो ये मर्यादा कहाँ से उल्लंघन होगा दोस्तों, मुझे तो ये बात नहीं समझ आई इनकी। तो चलो दोस्तों पूजा कराते हैं फिर बताते हैं आपको। और तो ये आ गया सामान, अब होगी पूजा शुरू। पंडित जी बांध रहे हैं केले के पत्ते और आम के पत्ते, काफ़ी लोग करा रहे हैं पुण्या, इधर भी पुण्या हो रही है, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ होगी, ये चार थूं के साथ ही पत्ते बांधे जाएंगे। तो दोस्तों बढ़िया बात ये है कि यहाँ अभी रश नहीं है, अभी हम नारियल लेने जा रहे हैं, नारियल भूल गए थे। दोस्तों फूल और नारियल ले लिए पूजा के लिए, पूजा करने जा रहे हैं। पंडित जी बना रहे हैं। हाँ जी वीडियो ये वाली न्यूज से लगवानी, ठीक है जी। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। ओम यजने नयज्ञ व्यजंता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः देहनागम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे पार्वती पिता महादेव अंधन गो आंगने गोरियन को गाया जन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार रे भूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का। जय गणेश गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा जो भया जरा काबो भजनी रे छंता कुंती जननी रे गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत Oh
गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सरद देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए धीमा गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। दोस्तों ये है कुष्ठ आश्रम श्री राम मंदिर। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो पंडितों से ज़्यादा यहाँ दान करें जिन्हें ज़रूरत है असल में। हम यहाँ पर व्रत का उद्यापन करने के लिए श्रीमान त्रिशला देवी जी के इच्छा थी कि उनका जो है पूर्णिमा का उद्यापन जो है बाबा रुद्रानंद जी के डेरे में हो, तो उनके पुत्रों की तरफ से जो है भगवान विष्णु जी के निमित्त उनका पूर्णिमा का उद्यापन उनके पुत्रों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से बड़ी विधि से उन्होंने पूजन किया, यज्ञ किया और शैयादान आदि किया और उनके निमित्त जो है यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और बड़ा ही अच्छा उन्होंने बड़े ही अच्छे विधि से उन्होंने ये पूरा यज्ञ जो है पूरा भगवान विष्णु के निमित्त जो है पूजन को पूर्ण किया। और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को त्रिशला देवी जी की आत्मा को शांति मिले और उनके पुत्रों को जो भी उनके मन की इच्छा है मनोकामना है तो भगवान उनकी पूर्ण करे और उनका उन पर अपने भगवान उनके बच्चों पर अपना आशीर्वाद उनके परिवार पर जो है उनके परिवार में सुख शांति आनंद प्रेम आरोग्य सब जो है उनके परिवार में निवास हो उनका। तो मैं यही दो शब्द उनके निमित्त भगवान विष्णु जी के तरफ से जो है मैं आपको कहकर यही से विदा लेता हूँ। आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो है।